बनाने के लिए ये चलाना पड़ता है। ये सोच ये कैसे चलाते होंगे अंदर, भाई मैं कैसे चलाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, केम छो मजामा, आई होप ऑल यू गाइस आर वेल। सो गाइस कैसे आप सब लोग, बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है 12:30 पे और अभी का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं लाइसेंस ऑफिस, क्योंकि आरटीओ इनका लर्निंग आ चुका है। सो लर्निंग रिसीव करने जा रहे हैं, इनकी फोटो वगैरह भी खींचेगी, तो चलते हैं और ये मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा। सो हेलमेट में अपना सेटअप और लेट्स गो, चलते हैं। चलो गाइस, भाई फिर की आज अपना नया हेलमेट का उद्घाटन भी करेगा। साले दिखाना अब वो निकलता है। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। सो गाइस हम निकल चुके हैं, विक्की भी है हमारे साथ। विक्की पता नहीं क्या कर रहा है, चाबी गिर रही है, मतलब कोई कभी चाबी गिरा रहा है, कभी हेलमेट, कभी बाइक। आ जा जल्दी। सो ये रहा। क्या हीरो लगता है ये, कौन है, मैंने इसे कहीं देखा है? यही तो बादशाह है। बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। चलो चलो चलो। सो गाइस हम तीनों की रेस हो गई है, राइडर्स। अंकित 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 अंकित, ये है द दिनेश कॉलेज। वो कहाँ है? सो गाइस यहाँ से है 9 किलोमीटर, 9.4 किलोमीटर, और चलते हैं सभी। सो गाइस ये कीचेन आप लोगों को नहीं दिखाया गया मैंने। सो ये कीचेन मुझे कल गिफ्ट में ही दिया है। ये कीचेन में केदारनाथ वाली फ़ोटो और ये जिम वाली फ़ोटो, ये अटैच कर रखी है, मस्त लग रहा होगा वो। बहुत ही प्यारा व्यू आता है इस ब्रिज का। सो गाइस अभी मैं एक काम करता हूँ। सो गाइस पहुँच चुके हैं आरटीओ ऑफिस, और भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो ट्रक है ना, इससे बंदे टेस्ट देने आए हैं, और वो पीछे टेम्पो वगैरह दिख रहा है, इससे भी टेस्ट देते हैं, मतलब अपनी व्हीकल लेके आते हैं फिर टेस्ट देते हैं। तो विक्की भी लेके आया है, और अभी तो व्यक्ति विक्की को टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लर्निंग आ जाएगी, फिर 1 महीने बाद टेस्ट होगा विक्की का, तो अभी देखते हैं क्या करना है। सो गाइज आज ये दोनों 18 साल के हो जाएंगे। आ गया कि मैं 18 साल का हो गया, अब बोल दिया। अब तेरा भी 18 साल का हो जाएगा तू, लेकिन 18 साल वाली हरकतें नहीं है गाइस इसके। 18 साल, 24 साल का मर्द हो गया 18 साल। 23 बोल ले, 23 भी नहीं, नो दाढ़ी भी आई नहीं। चिकना तो ये सोच ये कैसे चलाते होंगे अंदर, भाई मैं कैसे चलाऊंगा। ये सोच ये कैसे चलाते होंगे अंदर, भाई मैं कैसे चलाऊंगा। सो जिसको चलाने नहीं आती वो बस ऐसे ही ड्राम करने के लिए उड़ाओ उड़ाओ दिया। सो गाइस एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, हमें ना अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है आरटीओ में,
ये जो भैया बाहर खड़े हैं दलाल, इन्होंने ही काम करवा दिया। अबे उन्हें छोड़ दे, वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए। काम डन हो चुका है, अब चलते हैं वापस घर। अभी ये पूछ लेंगे अगली बार कितने रुपए लगेंगे। चल हेलमेट का है, हेलमेट का है साले तेरा। अबे बता ना हेलमेट कहाँ गया। सो दाढ़ी वाड़ी सेट करवा के आया था, फोटो खींचेंगे। साले हेलमेट कहाँ है। तो गाइस वो रहा हेलमेट, यहाँ हेलमेट छुपा रखा है, सब पता नहीं है। चले हेलमेट देना। मेरे पास कहाँ है हेलमेट है साले, जेब में रख लूँगा क्या, मुझे क्या पता कहाँ है, कहाँ रखा था। तो भाई चलते हैं, विक्की का हेलमेट खो गया। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:48 और घर पहुँच चुका हूँ, और विक्की अभी गया हुआ है दुकान बिस्किट लाने, चाय बिस्किट खाने का प्लान है। तो मम्मी गई है ऊपर कपड़े धोने, जूते वगैरह खोलते हैं। लग गया आते हुए, बिल्कुल टाइम नहीं लगा आते हुए, रोड बिल्कुल खाली थी तो भगाते हुए लाए। सो गाइस विक्की भी, वो सो गाइस सवित भी आ चुका है हमारे घर पे, अभी हम चाय और बिस्किट खाने का प्लान बना रहे हैं। सो आप भी इंक्लूड हो इस चीज़ में, सो वेलकम। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ जुराब पहन के रखूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, जमीन को पैर डाल। जुराब पहन के इसी वजह से नहीं आया भाई, गलत है, तू मत पहन। क्यों ऐसे ही, मैंने भी नहीं पहने। ला दे देना, और भी रखी होंगी भाई। सो गाइस हमें मिल चुकी है टॉफी, आज देख लो मेलोडी का फेक वर्जन आ गया है, माई लोडी। ये लोकल चॉकलेट तो लेके कहाँ से आ रहा है, अभी ये लेके आया कीप कैट। किट कैट की छोटी बहन कीप कैट है बे, इसने उल्लू बनाया तुझे। आ रहा है, अरे ले ले भाई थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा ले ले यार। गाइस अभी हम जा रहे हैं कॉफी बनाने, तो ये भाई सब देंगे हमें, बर्तन ढूंढ के देंगे। बर्तन ढूंढ के नहीं गाइस, इसमें बनाइए आप कॉफी। ये निकाला है इसमें बर्तन, और कॉफी कहाँ है, मिल जा चंचल। ये कॉफी है कि कापा है, ये है ब्रो, इससे पी के हम लोग बन जाएंगे ब्रो और ताकतवर। और देख सकते हो कि एक नल्ला आदमी बैठा हुआ है, एक नल्ला आदमी बैठा हुआ है जिसको फ्री फंड की हर चीज चाहिए, कॉफी। चलो अब बनाओ इक्की। तो यहाँ सारा सामान निकल चुका है, सारी चीजें। इसमें है दूध, इसमें दूध है असली भैंस का देसी दूध, भैंस का तो अच्छा लगेगा। अब तो यहाँ से फिर मेरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। चलो कॉफी बनाओ, कॉफी बना के विक्की लेके आएगा, विक्की काफी बेहतरीन कॉफी बनाता है। सो भाई आज हम बैठ के कॉफी पियेंगे। आप लोग यहाँ क्यों धूम मचा रहे। सो गाइस विक्की कॉफी ले आया है, ये हार्ड लग रही है चाय जैसी। अबे यार ये दाग लग गया, बेड पे रहेगा तो नीचे बार बिछा लियो। ओले 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 मेरा बेटा, ये वाले बिस्किट हमें खाने के लिए दिया है और खुद के लिए ये लेके आया। ओरियो लेके आया, ला दे भाई एक तो दे दे यार प्लीज। ला भाई। सो गाइस कल विक्की मेरे घर पे रुका था और आज मैं जा रहा हूँ विक्की के घर। सो इट्स नाउ माय टर्न, अब मैं जा रहा हूँ विक्की के घर और घर पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के घर में अप एंड डाउन करते रहते हैं। चलो विक्की, हेलो लेट्स गो। तो गाइस देख लो ठंड से बचने के लिए क्या पहनना पड़ा, यही पास में निकला था, मैंने हेलमेट लिया नहीं, ऐसे जा रहे थे रोड पे, तो हेलमेट लिया नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग रही थी। विक्की के पास ये पड़ा हुआ था, विक्की के पास तो कैप है इसका हुडी का, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने ये डाल लिया, क्योंकि खान में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अभी खाने आए हम गर्मा गर्म होंगे, तो मोमोज खाते हैं फिर चलते हैं घर। आज सोच रहा हूँ विक्की के घर पर ही रुक जाता हूँ, क्योंकि विक्की बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है, नाग बिल्कुल लाल हो चुके हैं ठंड से। वो बस्ती बस्ती का हस्ती ब्रो, आगे ले भाई लोग, कभी कल टीलो मैंने मम्मी में बचाया बच्ची को।
ये सब चीजें कौन सिखाता है? अंबर नागपाल। ये कौन है? क्लास का दोस्त। नाम है कि पूरा एड्रेस? ब्लॉग देखता है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:16 और अभी खाना खाते हैं और फोन भी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है, तो इस वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड और मिलता हूँ कल आपसे बेहतरीन ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, बाय गाइस।